शिवपुरी माधव नगर में स्थित प्रज्ञा दा प्ले स्कूल में आज से 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं। इसी के चलते लगातार परीक्षा की गोपनीयता बनी रहती है, लेकिन अन्य स्कूल के संचालक जिनका स्कूल सेंटर भी इसी स्कूल में पड़ा है, वे स्कूल परिसर में घूमते नजर आए, जबकि स्कूल संचालकों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ना ही रोल नंबर देखने की अनुमति है, लेकिन ये नियम को ताक पर रखकर अपनी मनमानी के चलते स्कूल परिसर में नजर आए। संभवतः इससे बोर्ड एग्जाम की गोपनीयता भंग होती है। हालांकि किस कारण से ये स्कूल में गए हैं यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरीके से अन्य स्कूल संचालकों का स्कूल सेंटर पर जाना गलत है। इसकी शिकायत के बाद मौके पर डीपीसी द्वारा जांच की गई, लेकिन जब तक अन्य स्कूल संचालक मौके से भाग खड़े हुए, हालांकि उनके फोटो वीडियो जाँच टीम को मिले हैं। मोनू नामदेव, शिवपुरी। सर, आज 5th और 8th क्लास का ये यहाँ पे बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आप सेंटर पे आए, क्या कुछ सर निरीक्षण करने के दौरान आपको मिला? सेंटर पे शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जो बाहरी तत्व हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने अपने जो एपीसी की और पैनल की टीम है वो भेजी, उसके बाद स्वयं यहाँ आए। तो जब हमने देखा उस समय तो बाहरी तत्व कोई था नहीं, हो सकता है पूर्व में रहे हों, और अभी स्थिति कंट्रोल में, कोई अंदर नहीं है, और थोड़ी सी बैठक व्यवस्था में प्रॉब्लम है, उसको भी आज सही करा दी जाएगी। नेक्स्ट पेपर से 2 घंटे पहले लोगों को भेजा जाएगा यहाँ, जिससे किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश अंदर नहीं हो सकता। सर, इसमें अभी बाहरी जो स्कूल संचालक हैं वो भी अभी मौजूद थे, जस्ट आपके आने की सूचना मिलने से कुछ पल बाद ही वो निकले हैं, तो सर इस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी सर, क्योंकि फोटो वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा स्कूल संचालक मौजूद है? उसकी हम अभी जो फोटो और वीडियो हैं वो हमें भी प्राप्त हुए हैं, उसकी हम अभी जांच करवाएंगे। सर, मेरे जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ उस समय मुझे कोई नहीं मिला है, पहले लोग फोटो वीडियो हमें भी भेजे गए हैं, तो उनकी हम जांच करवाते हैं। हम भी सर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जब आपके पास भी प्रमाणित फोटो वीडियोग्राफी है तो सर फिर किस चीज़ की सर जाँच देखेंगे, उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है।